आज इस वीडियो में मैं फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट होता है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या एडवाइसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की। जो अपना बच्चा है अभी 13 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक कहीं पे भी उसकी लंबाई रह सकती है। 200 ग्राम से 250 ग्राम तक उसका वज़न होता है और नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ऑलमोस्ट एक बनाना के लेंथ का में भी अभी डेवलप हो चुका होता है। तो फिफ्थ मंथ में हमें पता है कि बेबी का डेवलपमेंट है, विकास है, वो नौवें महीने तक चलता रहेगा। पर्टिकुलरली पाँचवें महीने में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पाँचवें महीने में आपको आपके बेबी के मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ मंथ में ऑलमोस्ट 90% फीमेल्स को बेबी मूवमेंट्स फील हो सकते हैं। स्टिल कई बार 10% में ऐसा होता है कि मूवमेंट्स फील नहीं होते, वो आगे चल के जैसे बच्चा और बड़ा होता है तो वो फील हो सकते हैं। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, आपको ऑलरेडी एक या दो प्रेगनेंसीज हैं पहले, तो ये मूवमेंट्स जो हैं आपको पहले भी फील हो सकते हैं। फोर्थ मंथ में भी कई बार ये बेबी मूवमेंट्स फील हो जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज बात करें तो 90% फीमेल्स को फर्स्ट टाइम जिसकी प्रेगनेंसी है उनको फिफ्थ मंथ पे मूवमेंट्स फील हो जाते हैं और हो जाने चाहिए। इसके अलावा बच्चे में जो डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें बच्चे की स्किन और डेवलप होती है और उसमें हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं, अपनको लैनिगो हेयर्स बोलते हैं, जो बहुत ही बारीक रोए वाले बाल होते हैं वो अभी अच्छी मात्रा में बेबी के चारों तरफ होते हैं पूरे बॉडी पे। किडनीज जो हैं वो यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं और बच्चे के ब्रेन का भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे का ब्रेन जो है वो हेड जो है वो बाकी बॉडी के कंपैरिजन में उसका हेड का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेबी के लिए। अब बात करते हैं आपकी बॉडी में चेंजेस की। तो जो महिलाएँ हैं, जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं, उनके सिम्टम्स में ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में छाती में भारीपन रह सकता है क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, फैट का डिपॉजिशन होता है तो छाती में भारीपन आ सकता है। पेट में आपको बेबी बम्प काफ़ी विजिबल होने लगता है। पेट का जो बेबी बम्प है आप अपने आप से फील कर सकती हैं। बेबी की जो हाइट है, मतलब पेट पे अगर आप उसको मेजर करें तो पाँचवें महीने के एंड पे वो अम्बिलिकस जो आपकी नाभि है उससे एक या दो फिंगर्स नीचे तक फील होता है आराम से। इसके बाद आपको स्किन में ड्राइनेस की वजह से, प्रेगनेंसी में जो ड्राइनेस कॉज होती है उसकी वजह से पूरे ऑल ओवर बॉडी इचिंग हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपको, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, वैसे इसकी कोई क्रीम नहीं आती, कोई ऑथेंटिक क्रीम्स नहीं है कि 100% स्ट्रेच मार्क्स को कम कर दे, बट कुछ हद तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन को आपको मेंटेन करना है स्किन का। अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते तो स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना है और स्किन को मॉइस्चराइज़र से पूरे दिन मॉइस्चर रखना है। इसमें आपको 3 to 4 times या तो आप मॉइस्चराइज़र, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल जो आता है उसको मिक्स करके उसको भी लगा सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेच मार्क्स पे भी काम करेगा एंड साथ ही साथ आपको इचिंग भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इचिंग में भी। फिर उसके बाद आपके पैरों में स्वेलिंग की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी, स्वेलिंग हो सकती है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो यूट्रस का जो प्रेशर है, बच्चा बड़ा हो रहा है साथ ही साथ बच्चेदानी भी बड़ी हो रही है, तो वो हमारे वेंस पे, पेट की जो वेंस है, जो IVC इनफीरियर वेना कैवा हम बोलते हैं उसको, उस पर प्रेशर डालता है। तो पैरों की वेंस से ब्लड वापस ऊपर आने में, हार्ट तक पहुँचने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जो ब्लड है वो नीचे ही पैरों में पुल आउट होने लगता है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो वो लंबे समय तक हम उसको ऐसे छोड़ दें पैरों में, जो हमारा पुल आउट हो रहा है ब्लड, तो पैरों में लंबे समय से छोड़े उसमें स्वेलिंग आ सकती है एंड वेन्स जो है हमारी फूल सकती हैं। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है कि बीच बीच में जब भी टाइम मिले रेस्ट लीजिए, लगातार काम नहीं करना है, काम सारा करना है बट लगातार नहीं करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेके करना है। जब भी टाइम मिले, आपको बैठने का मौका मिले काम करते करते, तो पैरों को थोड़ा सा लिफ्ट देना है। पैरों को लिफ्ट करके स्टूल, आगे स्टूल रख के बैठिए या फिर आप सोते हैं तब पैरों के नीचे एक या दो पिलो आप रख के सो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके जो मसल्स
और है उसमें थोड़ा सा क्रैम्पिंग, जैसे लेग की मसल्स हैं उसमें क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, रात होते होते पूरे फटीग आपको होता है, पूरे दिन की थकान रहती है, और कैल्शियम की कमी आती है बॉडी में, प्रोटीन्स की कमी आती है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे खाने पीने का तो लेग्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको डाइटरी एडवाइसेस भी डॉक्टर देते हैं कि क्या इसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपकी जो नेज़ल म्यूकोज़ा है, नाक और मुंह की जो लाइनिंग होती है उसमें कंजेशन हो जाता है, ये नॉर्मल चेंज है प्रेगनेंसी का, और इसके चलते आपको गम ब्लीडिंग या फिर नाक से नक्सीर आना रह सकता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन फीचर है प्रेगनेंसी का, वही आपको पानी पीने का ध्यान रखना है, इसमें 8 से 10 ग्लास आपको डेली वाटर इंटेक कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा आपको फाइबर रिच डाइट अपने मील्स में इंक्लूड करनी है। तो बात करते हैं एडवाइसेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी 5th मंथ में। तो सबसे पहले जो टेस्ट आपको करवाने होते हैं 5th मंथ में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में लेवल 2 एनोमली स्कैन या 3D 4D स्कैन हम इसको कहते हैं, ये स्कैन का टाइम लिमिट फिक्स होता है, ये कभी भी नहीं करा सकते आप इसको। आपको 18 से 20 वीक्स आपकी प्रेगनेंसी है तो ही ये होगा, और आजकल नई मशीन्स के चलते ये पहले भी कर सकते हैं, बट इसका सिग्निफिकेंस अलग है। 18 से 20 हफ्ते पे तो आपको कराना ही है, चाहे आपका पहले भी हो रखा हो, बट 18 टू 20 वीक्स पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये सोनोग्राफी कराई हो। ये सोनोग्राफी में बच्चे का डेवलपमेंट जो है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है कुछ हद तक, तो इसलिए सब कुछ हमको, कुछ एनोमलीज हैं उसमें, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कोई बच्चे में अनुवांशिक बीमारी हो रखी है, तो वो सब हम इस सोनोग्राफी में पकड़ सकते हैं। इसका टाइम लिमिट इसलिए सेट है क्योंकि 18 हफ्ते एक एवरेज टाइम है जहाँ पे मोस्टली सबका बेबी जो है अच्छा खासा उसका वेट गेन हो जाता है, उसकी लेंथ अच्छी होती है, तो सोनोग्राफी मशीन पे हम उसको इजीली कुछ भी प्रॉब्लम है तो पकड़ सकते हैं। बहुत पहले कर दें तो बच्चे के छोटे होने के कारण कई बार चीज़ें मिस हो सकती हैं, या फिर कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो एनोमलीज हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो एज के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। तो 18-20 वीक्स में जो है मोटे तौर पर जो भी एनोमलीज हैं बेबी में, कुछ भी डिफेक्ट्स हैं, तो वो इस टाइम तक डेवलप हो जाते हैं। स्टिल ये सोनोग्राफी करने के बाद भी हम लोग ये नहीं कहते, डॉक्टर आपको ये नहीं सलाह देगा कि आपको कोई सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है आगे, अगर बेबी ठीक भी है तो। बच्चे में ऑन गोइंग प्रोसेस है डेवलपमेंट, थ्रू आउट 9 मंथ्स चलता रहेगा, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो 5वें महीने पे सोनोग्राफी पे नहीं है लेकिन बाद में डेवलप हो रही हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं जो बाद में डेवलप हो रहे हैं, तो सोनोग्राफी तो मॉनिटरिंग के लिए आपको बाद में भी रिक्वायर्ड रहेगी। लेकिन लेवल 2 एनोमली स्कैन इसलिए है कि आपको जल्दी से जल्दी अगर कुछ मेजर डिफेक्ट है तो वो हमें पता चले, कुछ ऐसा डिफेक्ट है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो बच्चे की डिलीवरी के बाद भी ठीक नहीं हो सकता, सर्जरी नहीं हो सकती उसकी, तो आपको कई बार डॉक्टर जो है वो टर्मिनेशन की सलाह भी देते हैं कि आप इसको अबॉर्ट करवाइए, नहीं तो फिर बेबी को, ऐसे बेबी को डिलीवरी करने के बाद बच्चा भी सर्वाइव नहीं करता और मदर को अननेसेसरी और 4 से 5 महीना उसको पेट में रखना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है लेवल 2 एनोमली स्कैन की। मेरी तरफ से 5वें महीने में आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको खाना प्रॉपर खाना है, टाइम पे खाना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है, स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, एंड जो डाइट है वो एकदम बैलेंस्ड होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और इसके साथ साथ फाइबर जो हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, तो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट से आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं आएगी, मसल्स में पेन नहीं होगा, और उसके अलावा बच्चे के डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोटीन्स की जो हाई प्रोटीन डाइट में आप एग्स ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है मीट का कंजम्पशन कर सकते हैं, बट मीट में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप उसको हाफ कुक मीट कभी नहीं लें। मीट ले रहे हैं या कुछ भी नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं तो उसको अच्छे से पकाएं पहले, रॉ मीट ये सब नहीं लेना है, इससे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, एसिड फूड पॉइजनिंग का रिस्क रहता है। तो प्रोटीन्स में, इसके अलावा आपको सोया बीन्स में अच्छा प्रोटीन होता है, दाल्स में होता है,
फाइबर की बात करें तो फाइबर में जो है आपके सैलड्स में अच्छा फाइबर होता है, सैलड में कुकू खीरा हो गया, आपके गाजर हो गई, उसके अलावा आपने मूंग दाल की आप स्प्राउट्स बना के ले सकते हैं। ये सब सैलड के फॉर्म्स हैं और इनमें अच्छा फाइबर का अमाउंट रहता है। रात को आप सोने से पहले दलिया ले सकते हैं एक बाउल, या फिर आप जो रेजिन्स हैं किशमिश या मनक्के आते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। इन सब में फाइबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है और कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। आपको पानी पीने का ध्यान रखना है। पानी में आपको कम से कम 3 to 4 liters वाटर पर डे आपका कंज्यूम होना चाहिए। आपको यूरिन में फ्रीक्वेंसी भी अगर है या कोई और प्रॉब्लम है तो भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पानी नहीं पीना है। आपको पानी का कभी भी कटौती नहीं करनी है। बच्चे के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, आपको एक्सरसाइजेज अगर आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइजेज आपकी डिलीवरी में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज जो हैं वो टारगेटेड रहती हैं, पर्टिकुलरली नीचे पार्ट की एक्सरसाइजेज करवाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइजेज करिए। अकेले घर पे यूट्यूब या फिर कोई और चैनल देख के खुद से नहीं करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी की सलाह में, गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करनी है। बाद में एक बार आप सीख जाते हैं तो फिर आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अलावा आपको योगा, मेडिटेशन, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें, और बेबी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का अच्छा फ्लो जाता है ये सब एक्सरसाइजेस करने से। ये तो हो गई कि आपको क्या खाना है, अब आपको क्या नहीं खाना है। नहीं खाने में आप, हमें सबको पता है कि हमको जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ये आप ना लेके आप इसके बदले में आप जूसेस ले सकते हैं। फ्रेश जूस आप निकाल के घर पे, मौसमी का जूस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और देन आपको चॉकलेट्स का एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं करना है। आपको जो है अल्कोहल अगर आप लेते हो तो वो लिमिट करना है, बंद कर दें तो बहुत ही बेहतर है। और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। आसपास भी अगर आपके कोई स्मोकर है, कोई घर में स्मोक करता है तो उनको भी बोलिए कि स्मोकिंग ना करें या फिर अलग एरिया में जाके करें, क्योंकि सेकेंडरी स्मोकिंग होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप खुद स्मोक करें, आपके आसपास भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो भी लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है और बच्चे को कुछ हद तक नुकसान पहुँचा सकती है। पाँचवें महीने में और आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। कुछ आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, आपको पेंटिंग पसंद है या बुक रीडिंग पसंद है तो वो आप कर सकते हैं। फिफ्थ मंथ पे जो है बेबी के जो हियरिंग सेंसेशन है वो डेवलप हो जाता है, बच्चा सुनने लगता है, सुनना स्टार्ट हो जाता है उसका, तो आप उसको म्यूज़िक सुना सकते हो, आप उसको स्टोरीज़ पढ़ के सुना सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि जहाँ आप बच्चे के साथ बॉन्ड अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो बेबी के साथ बॉन्ड होगा, अटैचमेंट अभी से डेवलप होगा। आप देख सकते हो इनफैक्ट कि जब भी आप म्यूज़िक सुनोगे या फिर आप कुछ और उसको स्टोरी सुनाओगे, जो भी आपका इमोशनल बिहेवियर होगा उस टाइम पे, तो बच्चा उसके उसके लिए रिएक्ट करता है। आप उसका रिएक्शन दे फील कर सकते हो। अगर आप फिफ्थ मंथ के एंड पे, सिक्स्थ मंथ के स्टार्टिंग में, सिक्स मंथ ऑनवर्ड्स आपको फील हो गए, बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे से फील होते हैं, आपको पता चलता है कि आप जब भी ज़्यादा शोर वाले एरिया में जाते हो तो फिर बच्चा रिएक्ट करता है। सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा लाइट में आप बाहर निकलते हो या फिर आप डार्कनेस में हो तो बच्चे को सब पता चलता है। तो ये एक अच्छा टाइम है जब अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसको म्यूज़िक सुनाइए, आप सुनिए, और जो भी आपके लिए रिलैक्सिंग है वो आप एक्टिविटीज़ करिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप वो सब कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ एक स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, कई बार बहुत सारी परेशानियाँ हमें देती है, और अगर अकेले अकेले इनसे सुलझें तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करिए, उनके साथ रहिए, और आपको कोई दिक्कत होती है आपको अपने हस्बैंड से शेयर करिए ताकि वो भी आपका सपोर्ट करें, वो भी आपको इस पीरियड से अच्छे एक एक्सपीरियंस के साथ निकलने में हेल्प करें। होपफुली मेरा ये वीडियो कुछ मदद का रहा होगा आपके लिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।